एपिसोड के स्टार्ट में हमें रुको रोतो यानी कि जायंट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां बचपन से ही वो एक काफी बड़ा भुक्कड़ था और काफी ज्यादा पावरफुल भी था। इसके चलते ही जब वो छोटे से बड़ा हुआ तो उसने काफी सारे लोगों को जान से मार डाला। यहां तक कर उसने अपने पेरेंट्स को तक ही नहीं छोड़ा, चाहे ये चीज उसने मजाक में ही क्यों ना की हो। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पर जायंट सागरी के ऊपर अटैक करता है और सागरी को बचाने के लिए गेंजी बीच में आ गया होता है, जहां पर जायंट का हाथ गेंजी से टकराता है और गेंजी इंजर्ड होकर काफी दूर जाकर गिरता है। वहीं पर अपनी सागरी गेंजी से जाकर उसका हालचाल पूछती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, पर यहां पर गेंजी कहता है कि उसे काफी ज्यादा डैमेज आ चुका है, जिसके चलते ही अब उसे बचाना पॉसिबल नहीं है। और यहां पर गेंजी सागरी को वहां से भागने के लिए कहता है। वहीं पर सागरी कुछ भी मूवमेंट कर पाती इसके पहले ही जायंट वहां पर पहुंचकर उसके ऊपर जानलेवा हमला करता है, जहां पर सागरी को कुछ हो पाता इसके पहले ही गाबीमारु आकर जायंट को एक जोरदार किक मारता है। वहीं जायंट को देखकर सागरी को समझ में आता है कि इसका रखवाला आइजिन था, इसका मतलब अब वो मारा जा चुका है। और वहीं पर गाबीमारु को समझ में आता है कि उसने एक जानलेवा किक इस जायंट को मारी थी, उसके बावजूद भी ये अभी तक जिंदा है। साथ ही इसकी आंखों में देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि उन्हें यहां पर सिर्फ मारने के लिए ही आया है, इसलिए ना चाहते हुए भी यहाँ फाइट कर इस जायंट को जान से मारना होगा। वहीं पर गाबीमारु को समझ में आ गया होता है कि वो अकेले इसे नहीं हरा सकता, इसलिए यहाँ पर वो यूजुरिहा से हेल्प मांग रहा होता है इस जायंट को हराने के लिए। वहीं पर यूजु उसकी हेल्प करने की बजाय यहाँ पर मजाक करते हुए उल्टा गाबीमारु से कहती है कि वो ही इससे फाइट कर सकता है और वो इस चीज को कंटिन्यू रखे। वहीं पर गाबीमारु को लग रहा होता है कि यहाँ पर वो हैंड टू हैंड जायंट से फाइट ले सकता है, पर जैसे ही जायंट अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक करता है तो गाबीमारु को समझ में आ गया होता है किसके अटैक उसके लिए काफी ज्यादा जानलेवा है और इससे वो मारा भी जा सकता है, इसलिए ना चाहते हुए भी गाबीमारु को उसके अटैक को डॉज करना पड़ता है। साथ ही जायंट को हराने के लिए गाबीमारु स्टोन से उसके ऊपर अटैक करता है, जो स्टोन कड़ी चीज के आर पार हो गए होते हैं, पर इस अटैक का असर जायंट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसलिए यहां पर गाबीमारु कपड़े को एक ब्लेड की तरह यूज कर जायंट के ऊपर अटैक करता है, पर इस अटैक का असर भी जायंट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। और गाबीमारु यहां पर सोच में पड़ गया होता है कि अब वो अपने कौन से निंजित्सु का यूज करे इस जायंट को हराने के लिए। अदर साइड हमें सागरी को दिखाया जाता है, जो कि गेंजी को बचाने के लिए उसके ऊपर ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रही होती है, पर यहां पर गेंजी उसे बता रहा होता है कि वो यहां से भाग जाए और उसे बचाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर यहां पर सागरी उसकी बात नहीं मानती है और ना ही पीछे हटने के बारे में सोच रही होती है, तो यहां पर गेंजी को समझ में आता है कि ये काफी ढीठ किस्म की लड़की है और ये कभी भी किसी सिचुएशन से पीछे नहीं हटती, इसलिए यहां पर गेंजी उसे काफी मोटिवेशन देता है। और साथ ही साथ वो डिसाइड करता है कि वो अपनी ब्लेड सागरी को दे, और ऐसा करते हुए वो सागरी को कह रहा होता है कि वो एक समुराय है, इसलिए अब वो उसे भागने की बजाय सिर्फ ये चीज कहेगा कि वो यहां पर इस जायंट को मार डाले। वहीं हमें यूजुरिहा को दिखाया जाता है, जो कि कह रही होती है कि उसे किसी से मिलकर काम करने की जरूरत नहीं है, बस वो अपना काम चलाने के ऊपर फोकस करती है। और यहीं पर यदि ये लोग इस जायंट से लड़ते हुए मारे जाएंगे तो उसके बाद वो लोग यहां से 9-2-11 हो जाएंगे। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि गाबीमारु कंटिन्यू फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे समझ में आता है कि यदि वो जायंट के ज्यादा पास जाएगा तो जायंट उसे जान से मार डालेगा, तो उसे यहां पर एक ओपनिंग की जरूरत है। और वहीं पर जायंट जैसे ही गाबीमारु के ऊपर अटैक करता है तो गाबीमारु उसके अटैक से बच गया होता है, बट वहीं पर जायंट की एक उंगली कट गई होती है, जो कि सागरी ने उसकी उंगली काटी होती है। और वहीं पर सागरी बता रही होती है कि उनके यामदा क्लैन में उन्हें सिखाया जाता है कि कोई भी इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, पर वहीं पर उनकी हड्डी की वजह से वो लोग स्ट्रांग होते हैं। और वहीं जब वो लोगों का सर काटते हैं तो उसके लिए वो लोग उनकी हड्डियों को स्ट्रेच करते हैं, जिसके चलते ही यदि हड्डियों में जो गैप उन्हें मिलता है उस गैप के चलते ही वो कमजोर होते हैं और तभी वो लोग उन बंदे का सर काटकर उन्हें धड़ से अलग कर देते हैं। जिस बात को सुनते साथ ही यहां पर गाबीमारु खुश होता है, क्योंकि उसे यहां पर एक हेल्प की जरूरत थी जो कि उसे सागरी के रूप में मिली, और अब वो दोनों मिलकर काम करने के बारे में डिसाइड करते हैं। जहां पर सागरी कहती है कि उसे यदि इस जायंट का सर काटना है तो उसे जायंट को नीचे लेकर आना होगा, और वहीं पर जायंट काफी ऊंचा होता है तो वो उसके सर तक कर नहीं पहुंच पाती, तो गाबीमारु उसे कह रहा होता है कि वो यहां पर जायंट को भटकाएगा और वहीं ओपनिंग देखकर
जल सागरी उसके पैर को काटे ताकि वो धीरे धीरे कर उसके गर्दन तक पहुंच सके। ये बोलने के बाद गाबीमारू जायंट का ध्यान अपनी तरफ लेके आता है और वही ओपनिंग देखकर सागरी उसके पैर को काटने के लिए बढ़ती है, पर जब वो ऐसा करती है तो वो उसके पैर को नहीं काट पाती क्योंकि सागरी के इमोशन उसके ऊपर हावी हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सागरी के काफी सारे पार्टनर और उसके टीचर को जायंट ने मार दिया होता है। वहीं पर वो दोनों मिलकर जायंट से फाइट करने की कोशिश करते हैं पर वो जायंट का कुछ खास बिगाड़ नहीं पा रहे होते। इसी बीच जायंट का पेट बचना स्टार्ट हो गया होता है और इसके चलते ही वो बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर देता है, जिस आवाज के चलते ही गाबीमारू और बाकी सबको काफी ज्यादा दिक्कत होती है और इसी मौके का फायदा उठाकर जायंट उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसके चलते ही अपने गाबीमारू की कंडीशन खराब हो गई होती है। पर वो जैसे तैसे बचकर उठता है पर वहीं पर वो पाता है कि उसकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। इस चीज को देखकर वहां पर सागरी उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है और यहाँ पर जायंट एक जानलेवा अटैक अपने गाबीमारू के ऊपर करता है। वहीं पर गाबीमारू को बचाने के लिए सागरी जरूर बीच में आ गई होती है पर उसे समझ में नहीं आता कि अब वो उन्हें बचाने के लिए क्या करे। इसी बीच वो अपने इमोशन को काम करती है क्योंकि उसके इमोशन किसी लहर की तरह उफान मार रहे होते हैं और वहीं पर जैसे ही सागरी अपने इमोशन को बिल्कुल शांत करती है तो यहाँ पर वो फाइनली अपने ब्लेड से जायंट के सारे अटैक को रिफ्लेक्ट करने में कामयाब होती है, जहां पर वो कंटिन्यू जायंट के सारे अटैक को रिफ्लेक्ट करती है जिससे थक हार कर जायंट बैठ गया होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सागरी उसके पीछे पहुंचकर उसके सर को काटने की कोशिश करती है, पर इस चीज को देखकर जायंट तुरंत ही पीछे हट गया होता है, जिससे सागरी और गाबीमारू को प्लान बनाने का मौका मिल गया होता है, जहां पर गाबीमारू सागरी से पूछता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे यहां पर सागरी उसका सर काट सके, जिस पर सागरी कहती है कि बस उन्हें थोड़ी देर के लिए जायंट को नीचे झुकाकर रखना होगा और उसकी गर्दन जब उसके सामने होगी तो वो उसके सर को काट सकेगी, जिस पर गाबीमारू कहता है कि वो ऐसा कर सकता है पर ये तरीका थोड़ा एक्सट्रीम हो सकता है। ये बोलकर गाबीमारू अपनी फायर पावर का यूज करता है और उस फायर पावर से सारे अटैक जायंट के ऊपर कर रहा होता है, जहां पर जायंट सारे अटैक को जंगल की तरफ डाइवर्ट कर देता है जिससे जंगल में आग लगना स्टार्ट हो गई होती है। और इस चीज को देखकर यूजुरिया को समझ में आ गया होता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है और वो भागना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसे समझ में आ गया होता है कि यहाँ पर गाबीमारू जायंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि वो यहाँ पर जंगल में आग लगाना चाहता है, जिसके चलते ही जंगल में लगी हुई आग, वहां से निकला धुआं और गैस के चलते ही यहाँ पर जायंट काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और असल में ऐसा होता भी है क्योंकि जायंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो फिर भी वो एक बच्चे की तरह ही होता है, जिसके चलते ही जितनी भी फायर और गैस वहां से निकलती है उन्हें इनहेल करने के चलते ही जायंट काफी वीक हो गया होता है और अपने घुटनों में आ गया होता है, जो कि एक काफी अच्छी ओपनिंग मिल गई होती है सागरी को, जिसके चलते ही सागरी जायंट का गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ गई होती है। पर इस चीज को जायंट भाप लेता है और सागरी के ऊपर अटैक करता है, पर यहाँ पर गाबीमारू आकर जायंट को अपने कंट्रोल में लाता है और सागरी को उसका गर्दन काटने का ऑर्डर देता है, जहां पर सागरी एक काफी गहरी सांस लेती है और जायंट का सर उसके धड़ से फाइनली अलग कर देती है। जहां पर जायंट को हमेशा एक शिकायत रहती है कि लोग उसे डिफरेंट समझने के चलते ही उसे हमेशा हेट करते हैं, इस चीज को सागरी समझकर जायंट को एक संतावना देती है कि वो इतना बुरा भी नहीं कि लोग उसे हेट करें। और इन सारी बातों को सुनने के चलते ही जायंट शांति से रेस्ट इन पीस हो गया होता है। वहीं पर जंगल में आग काफी सारी आग फैल गई होती है, इस चीज को देखकर गाबीमारू सागरी को वहां से चलने के लिए कहता है, जहां पर सागरी अपनी ब्लेड लगती है अपने टीचर की तरफ देखती है और फाइनली उन सबको देखकर वहां से वो अपने गाबीमारू के साथ उस आग से बाहर निकल गई होती है, जहां बाहर निकलने के बाद काफी सारे मोन्स्टर आग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर गाबीमारू से सागरी पूछ रही होती है कि अब वो लोग क्या करें, जिस पर गाबीमारू से कह रहा होता है कि उन्हें उस डायरेक्शन में जाना होगा जहां से सारे मोन्स्टर आए हैं क्योंकि इसके जरिए ही वो लोग एलेक्जायर ऑफ लाइफ तक पहुंच सकते हैं। जहां पर सागरी इस बात पर एग्री करती है और गाबीमारू के पीछे पीछे
उसी डायरेक्शन की तरफ निकल गई होती है, जहां आगे जाकर उन्हें यूजुरिहा मिलती है, जहां उनके सामने एक गांव होता है जिसे देखकर यूजुरिहा और बाकी सब लोग कहते हैं कि शायद ये एक हर्मिट की जगह होगी। अदर साइड हमें तो भाई को दिखाया जाता है जो भी हर्मिट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली एक काफी पुराना मिथ होता है, जिसके चलते ही ये पर्सन एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस और मैजिकल, साथ ही साथ काफी पावरफुल इंसान था, जिसके चलते ही उन्हें ये चीज समझ में आती है कि उसने ही कुछ ऐसा किया होगा, जिसके चलते ही यहाँ पर काफी वियर्ड वियर्ड और अजीब से प्राणी मौजूद है। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, जहाँ पर दो लोग आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं और उसे देखकर वो दोनों भाई काफी ज्यादा शॉक होते हैं, जिसके साथ ही यहीं पर एपिसोड का एंड होता है।